वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निधि और ये है अमेज़न का बॉक्स। सो आप लोग देख सकते हो कितना सारा सामान मंगाया है। एक्चुअली मैं बहुत सारा तो नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि हर साल तो बहुत सारी चीजें मंगाते थे, शॉपिंग करते थे, बट इस बार लॉकडाउन, कोरोना और क्या नहीं हुआ बेसिकली, तो उन सब की वजह से मेरा तो मन ही अट गया। सच बताओ तो मेरे शॉपिंग करने का उतना मन ही नहीं कर रहा है। बस थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ऐसी चीजें मंगा ली है जो एकदम ही मेरे को टेम्पटिंग लग गई, एकदम ही पसंद आ गई, या कोई बहुत जरूरत का सामान है तो मैंने इस तरीके से मंगा लिया है। बट फिर भी थोड़ा थोड़ा करते करते ज्यादा हो गया। लेकिन इस बार मैं सिर्फ एक या दो ही हॉल शेयर कर रही हूँ। एनीवेज चलो मैं आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग सामान मैंने मंगाए हैं। सो यस, एक चीज जो है वो मेरी तो उसी जो मेरा प्रोडक्ट आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो शायद अभी आने वाला है या फिर कल आ जाएगा, तो वो मैं बाद में वॉइस ओवर में इंक्लूड कर लूंगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन करके। तो सबसे पहले जो मैंने मंगाया है, इस बार इलेक्ट्रॉनिक सामान हमने बहुत मंगाया है, और ये हमने मंगाया है, ये बोट का ब्लूटूथ हेडफोन है, ये ईयरफोन है, क्या बोलते हैं इसको, यस ईयरफोन है। ओके सो ये ब्लूटूथ ईयरफोन है, इसके अंदर इनबिल्ट माइक भी है और आराम से, हालांकि ये मेरा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड ने अपने लिए मंगाया है और उनका है ये। सो ये अगर अच्छा रहेगा तो मुझे भी एक हेडफोन लेना है, तो अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी जो भी है तो फिर मैं अपने लिए भी ऐसा ही कुछ मंगा लूंगी। तो ट्रायल के लिए एक मंगाया है, देन फिर हम लोग अगर पसंद आया तो एक और लेंगे, ठीक है। ओके तो अब मैं आपको दिखाती हूँ और इंटरेस्टिंग चीज जो की है ये डेकोर पीस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजेदार वाला डेकोर पीस है। मुझे बहुत एक नजर में मुझे पसंद आ गया था तो फिर मैंने इसको ले लिया। मुझे पता नहीं है मैं इसे कहाँ लगाने वाली हूँ, क्या है, बट मैंने इसे ले लिया। हालांकि अभी मैं खोल रही हूँ आप लोगों के सामने ही, मैंने इसे खोला भी नहीं है, अभी कुछ भी खोला नहीं है। ओके सो ये ऐसे आएगा, मुझे वही लग रहा था, ये कुछ अलग सा क्यों लग रहा है। यस ये अब इस तरीके से आएगा। ओके सो ये है, सॉरी गाइज मैंने इसे खोल के नहीं देखा है इसलिए मैं खुद भी असेंबल कर रही हूँ आप लोग के सामने ही। एनीवेज ये इस तरीके से इसका लुक आएगा, आप इसे रख सकते हैं और ये यहाँ पर इस तरीके से आप इसे घुमा भी सकते हैं जो भी इसका पर्पज हो। सो यस, ये एक डेकोर पीस है और ये प्राइस मैं सबकी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी बिकॉज मुझे याद नहीं है। और यस ये है मेरा, चलो ओके सो नेक्स्ट जो है मेरे पास क्या है, ये तो हम लोगों ने कुछ टॉयज मंगाए हैं, ये इस तरीके से आरफ के लिए मंगाए हैं ये मैंने, ये इस तरीके से है, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, बट ये इस तरीके से है जैसे ब्लॉक्स आते थे ना वैसे, ये स्टिक्स में है ब्लॉक्स, तो इससे जोड़ जोड़ के कुछ कुछ कार वार कुछ ऐसा बनाने का है। तो ये भी मंगाया है आरफ के लिए, आरफ के पापा ने, मुझे ये वाला बिल्कुल पसंद नहीं है बट फिर भी उन्होंने मंगाया है। और नेक्स्ट है मेरे पास ये फ्लाइट की मैंने चप्पल मंगाई है अपने डेली वेयर के हिसाब से घर में पहनने के लिए, जो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी, मेरे पुरानी जो मैं पहनती थी वो टूट गई है तो मैंने ये मंगाए थे। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चप्पलें हैं बट ये एक साइज छोटा है तो ये मैं रिटर्न करके इसका एक साइज बड़ा मंगा लूंगी। बट ये बहुत ज़्यादा सही, अगर आपको स्लीपर्स ऐसे घर में पहनने के लिए चाहिए सो ये 120 रुपये या 115 रुपये की है और मस्त है। मतलब इसका जो कंफर्ट लेवल है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी एड़ियों में दर्द होने लगता है अगर मैं ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक मतलब बिना स्लीपर्स के घूमू घर में, तो मुझे स्लीपर्स चाहिए होती है और कंफर्ट स्लीपर चाहिए होती है, तो ये काफी कंफर्टेबल है। सो इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 120 रुपये के अंदर यार काफी सही ये वाली क्वालिटी, इसकी काफी अच्छी, कलर भी इसका ठीक है, इसमें तीन कुछ कलर थे तो आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हो। तो ये मैं रिटर्न करूंगी और उसकी जगह एक्सचेंज करूंगी, बेसिकली दूसरा लूंगी। तो ये इधर खत्म हो गया, अब हम अपना ये वाला बॉक्स खोलेंगे और इसमें है मस्त मस्त डेकोर पीसेस। सो एक ये मंगाया है मैंने लेवेंडर एंड रोज का एसेंशियल ऑयल, इसके अंदर दो का ये पैक है, तो इसमें एक लेवेंडर फ्रेग्रेंस है और एक रोज फ्रेग्रेंस के एसेंशियल ऑयल्स हैं। तो ये है करीब इनकी प्राइस 798 रुपीज, बट ये मुझे शायद से 50% ऑफ में मिले थे, एग्जैक्टली जो भी होगा मैं लगा दूंगी। एंड यहाँ पर मैंने ये टी लाइट होल्डर्स जो हैं वो मंगाए हैं, बेसिकली डिफ्यूजर्स हैं ये, तो इस तरीके से ये येलो कलर में है, आई डोंट नो लाइट बहुत ज्यादा सी पड़ रही है बट कैसे दिखाऊं, ये येलो कलर का है, जितना इसमें व्हाइटिश दिख रहा है बट ये प्रॉपर हल्दी कलर जो येलो होता है वो ये है, मुझे काफी पसंद है ये। और ये
क्या बोलते हैं सिरेमिक का है ये, और यहाँ से इसमें देखा ही होगा बहुत कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा मतलब काफी लोगों ने परचेस किया हुआ ऑलरेडी होगा जो आप लोग देख रहे हैं, बट यस मैंने भी इस बार ले लिया, काफी टाइम से सोच रही थी। तो यहाँ पर इसमें पानी डाल देंगे और यहाँ पर कैंडल रहेगा, और उसके बाद ये इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा जो जो भी लॉ वगैरह है उसका डिजाइन बनेगा, अच्छा लगेगा। तो ऐसे ये तीन का सेट आया है, एक ये ब्लू कलर में है और एक ये रेड कलर में है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सो ये सब आज ही मुझे रिसीव हुआ है, तो तीन का ये पैर है मैंने ले लिया है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह इसको रख सकती हूँ। तो यस ये इस तरीके से है, ये रेड कलर का है। ओके सो ऐसे ही ब्लू कलर का भी एक, ऐसे तीन है मेरे पास, तीन का पैर लिया है और उसमें ये वाला एसेंशियल ऑयल जो है वो मुझे डालना है। तो इसमें ये एसेंशियल ऑयल नहीं मिल रहे थे और ये मुझे करीब 100 रुपीज का एक पड़ा है, 300 या 350 के तीन का सेट है ये, और ये एक सेपरेट भी मिल रहा था विद एसेंशियल ऑयल, तो वो मुझे ज्यादा महंगा लग रहा था। वो 300 रुपए का एक ये पॉट मतलब ये डिफ्यूजर था और साथ में एक कैंडल और एक एसेंशियल ऑयल मिल रहा था, और मैंने 300 में ये ले लिया है और 300 में ये ले लिया, तो मतलब ये ज्यादा क्या बोलते हैं उसे अफोर्डेबल हो गया मेरे लिए, तो मैंने इसलिए तीन का सेट मंगाना ज्यादा सही समझा। 300 में एक लेने से 300 में तीन लो और एसेंशियल ऑयल तो आपको बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। ओके सो ये है मेरा एक पीस, और नेक्स्ट मेरा जो पीस है वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। देखो इसके साथ एक ये कार्ड भी आया है, थैंक यू कार्ड है, और ये इतना अच्छा था ना, पैकिंग इसकी इतनी अच्छी थी, मैं सेपरेटली इसका एक रिव्यू वीडियो बनाने वाली हूँ, सो उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह सब दिखाऊंगी उसमें। बट जब ये आया तो मैं कंफ्यूज हो गई कि किसी ने इनको बर्थडे गिफ्ट दिया, क्योंकि इनके नाम से आया था ऑर्डर, इनके नाम से प्लेस था, तो थैंक यू और ये सब लिख के आया था, पहले मैंने सिर्फ थैंक यू पढ़ा था, तो मुझे लगा कि यार इनके लिए क्यों भेजा है, क्या है ऐसा वैसा। और ये पूरा इस तरीके से, मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस तरीके से पूरा पैक होकर के आया था, इसके अंदर ये इस तरीके से था, ये देखो बहुत ही सुंदर था ये जब पैक होके आया था, और अब मैं आपको उसके दर्शन कराती हूँ। ये देखो ये इस तरीके से है, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है। और ये इस तरीके से मेटल का है ये, और काफी स्टर्डी है, और फिनिशिंग इसकी बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ही क्लासी पीस लग रहा है, मेरी बिल्कुल इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन इससे थी नहीं, मुझे डाउट ही था कि पता नहीं कैसा आएगा, बट जब ये आया तो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने इसका एक सेपरेट रिव्यू वीडियो बनाने का डिसाइड भी कर लिया, शूट भी थोड़ा बहुत जो अनबॉक्सिंग है वो मैंने कर ली है। और ये देखिए इस तरीके से, इसमें आप कपूर है या फिर कैंडल्स है या कुछ भी आप इसके अंदर डाल करके रख दीजिए, और उसके बाद पूरे में यहाँ से फ्यूम्स जो है वो निकलती जाएंगे, तो दिखने में बड़ा सुंदर लगेगा। और डेकोर पीस भी है कि अगर ऐसे ही रखा हुआ है मंदिर में भी या फिर कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए है ना सुंदर, बहुत सुंदर लगा मुझे, बहुत सुंदर लगा। और इसके साथ इस तरीके का ये एक धूपबत्ती मिली है, धूपबत्ती है ये, फ्री आई है इसके साथ में, एंड इसके साथ में ये एक कैंडल भी आई है, टी लाइट कैंडल्स भी आई है, एक ही आई है। आई डोंट नो इसको अभी यूज कैसे करना है वो मैं देखूंगी कि इसको कैसे इसमें अटैच करना है, वो मुझे समझ में नहीं आया, बट यस ये भी इसमें अटैच किया जा सकता है। और ये इस तरीके से आया है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा सा ये कितना 500 या 700 ऐसे ही कुछ था, प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं यहाँ पर लगा दूंगी कुछ, लेकिन यहाँ ये मुझे लगा बहुत ही अच्छा। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। उसके अलावा मैंने एक कुशन कवर्स लिए हैं, कवर का पूरा सेट लिया है, जो ऑन द वे है, जब वीडियो एडिट करूंगी तब तक वो आ चुके होंगे, तो यहाँ पर उसका एक छोटा सा क्लिप ऐड कर दूंगी। तो ये कुशन कवर्स मैंने लिए हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रिसीव हो गए हैं। इनमें इस तरीके से पीछे जो है आप देख सकते हैं जिप दी हुई है, जिसकी वजह से कुशन इसमें डाल करके आप अच्छे से इसको पैक कर सकते हैं। और ये मल्टी कलर्स में मैंने लिए हैं, और इस तरीके से इसमें फॉइल प्रिंट है, और दो कुशन कवर का जो पैटर्न है वो सेम है और तीन का सेम है, इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइंस में है। फेस्टिव सीज़न के हिसाब से मुझे बहुत ही परफेक्ट लगे, और इनकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। प्राइस की अगर बात करूँ तो 429 का ये मुझे पड़ा है, आई डोंट नो इसकी MRP क्या थी, बट 429 का ये मुझे रिसीव हुआ है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप ये ज़रूर चेकआउट करिए। नेक्स्ट मैंने जो मंगाया है वो है एक ये LED स्ट्रिंग लाइट है ये, और ड्रिपिंग कलर्स ब्रांड की है, ये काफी अच्छी है। मुझे काफी टाइम से किस तरीके की प्लेन सी स्ट्रिंग लाइट चाहिए थी, जो मैं कहीं पर भी किसी भी तरीके से यूज कर सकूं, सो ये बैटरी ऑपरेटेड स्ट्रिंग लाइट है,
अच्छा इसमें बैटरी नहीं लगाई है मैंने, बट मैंने इसे चेक कर लिया था और ये काफी अच्छे से पूरा इसका जो है ना बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ये अच्छे से सारी लाइट्स इसमें चल रही थी और एक बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट दे रही थी। सो ये वाली लाइट भी मैंने मंगाई है। और आई डोंट नो इसका प्राइस क्या है, इसके अंदर अंदर 100 LED बल्ब्स लगे हुए हैं ये इसमें लिखा हुआ है। और यस ये एक लाइट मंगाई है और मैं एक दो और भी फैंसी लाइट्स भी लेने का सोच रही हूँ। सो अभी सोच रही हूँ, लेट्स सी कि मैं कब तक मंगा पाऊंगी, दिवाली के पहले मंगा लूंगी या दिवाली के बाद मंगाऊंगी, आई डोंट नो, लेकिन सोच रही हूँ। ओके सो ये था मेरा हॉल, अमेजोन हॉल। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, इनमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों को भी पसंद आई होगी। इन सब का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको इंटरेस्ट हो आप चेकआउट कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। सो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड यस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो, एंड यस बाय।